दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड पर खेले गए तीसरे T20 मैच में शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए केवल 63 गेंदों में 12 चौके 7 छक्के की मदद से 126 रन बनाकर नॉट आउट रहे और भारतीय टीम को इस सीरीज में जीत दिलवाई। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दें, भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था और इस मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि 7 रन के स्कोर पर मिचेल ब्रैसवेल ने ईशान किशन को आउट कर दिया था और ईशान किशन केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने राहुल त्रिपाठी उतरे, जहां त्रिपाठी ने इस मैच में आते ही अपने अतरंगी शॉट खेलना चालू कर दिए थे, लेकिन एक तरफ इस मैच में शुभमन गिल अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से शानदार शॉट जड़ रहे थे और अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ त्रिपाठी इस मैच में एक के बाद एक कीपर के सर के ऊपर से छक्के जड़े जा रहे थे, जहां राहुल त्रिपाठी ने इस मैच में छक्कों की बरसात कर दी थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी। लेकिन जब राहुल त्रिपाठी अपने 50 रन से केवल 6 रन दूर थे, तभी इस शोडी ने उन्हें आउट कर दिया और त्रिपाठी केवल 22 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने आते ही इस मैच में अपने बल्ले से शानदार शॉट खेलना चालू कर दिया था और उन्होंने इस मैच में 2 छक्के भी जड़ दिए थे बेहतरीन अंदाज में। तो शुभमन गिल ने इसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। जहां इसके बाद सूर्य कुमार यादव एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ब्लेड टिकनर की गेंद पर आउट हो गए थे और सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान हार्दिक पांड्या उतरे और दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच में आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ दिया था और इसके बाद वो शुभमन गिल का साथ दे रहे थे और शुभमन गिल ने अपने 50 रन पूरे करने के बाद अपनी पारी को एकदम बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक छक्के जड़ने लग गए थे, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पूरी हालत खराब हो गई थी। और इसके बाद तो शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों को धोते हुए केवल 54 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर लिया था और दोस्तों इस शतक के बाद सभी ने उनकी जमकर तारीफें की। चाहे शतक पूरा करने के बाद शुभमन गिल तो और भी आक्रामक बल्लेबाजी करने लग गए थे, तो तभी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ड्रायल मिचेल की गेंद पर 17 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन शुभमन गिल ने इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 234 रन तक पहुंचा दिया था केवल 4 विकेट के नुकसान पर। तो इस मैच में शुभमन गिल केवल 63 गेंदों का सामना करने के बाद 12 चौके 7 बड़े छक्कों की मदद से 126 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो भाई न्यूजीलैंड की टीम को अब ये मुकाबला जीतने के लिए 235 रन बनाने थे और जब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को एक के बाद एक बड़े झटके देते हुए न्यूजीलैंड की आधी टीम को केवल 21 रन के स्कोर पर समेट दिया था। और इस मैच में हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक ने अपनी गेंदबाजी से इस मैच में कहर बरपा कर रख दिया था और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों को न्यूजीलैंड की पूरी टीम को समेटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 66 रन के स्कोर पर ऑल आउट मार दिया था। और दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से ड्रायल मिचेल 35 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या ने अपने 4 ओवर में केवल 16 रन देकर 4 बड़े विकेट अपने नाम किए। तो अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी ने 2-2 विकेट चटकाए थे। वहीं भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 168 रनों के बड़े अंतर से इस मैच में हराकर इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है।